हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको गॉस की पर में जो आपका गॉसेस थ्योरम होता है इसको मैं आपको निगमन कराने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका गॉस का प्रमेय होता है ये आपका क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है फाई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका निगमन कैसे किया जाएगा आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका परिभाषा में बोल रहा है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, यानी कि कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यानी कि वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो फाई ई। तो फाई ई बराबर देखिए बोल रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, तो आवेश क्या दिया है फ्रेंड्स, क्यू, और इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि 1/ε0 गुना। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, q/ε0 हो जाएगा, यानी कि फाई ई बराबर q/ε0 हो जाएगा। तो यही आपका क्या होता है फ्रेंड्स, गॉसेस की प्रमेय होता है। तो इसका निगमन कैसे किया जाएगा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका कोई एक गॉसियन पृष्ठ है और इसके बिंदु O पर आपका यहाँ पर क्यू आवेश रखा गया है, प्लस क्यू आवेश रखा गया है, और इससे इस्तेमाल आर दूरी पर कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर पी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटे से यहाँ पर जो आपका क्षेत्रफल दिया है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स जो आपका पी बिंदु दिया है, यहाँ पे ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का जो कोण है आपका थीटा दिया है, और इस यहाँ पे जो आपका घन कोण का मान दिया है डी ओमेगा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका उत्पत्ति यानी कि इसका प्रूफ करने से पहले इसमें कुछ जो आप यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दिया है और बिंदु ओ है, और इसे इस्तेमाल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ठीक है, तो यही हमको यहाँ पे उत्पत्ति में लिखना रहता है, उसके बाद से इसका प्रूफ किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, एक माना कि एक बिंदु आवेश, ठीक है, यहाँ पर देखिए बिंदु आवेश प्लस क्यू दिया है, तो बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ के अंदर, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका क्लोज यहाँ पर पृष्ठ दिया है, तो देखिए फ्रेंड्स बंद पृष्ठ के अंदर ओ बिंदु पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर देखिए ओ बिंदु पर स्थित है, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आर दूरी पे, स्मॉल आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, ठीक है, जहाँ ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का जो कोण है वो आपका कितना दिया है फ्रेंड्स, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण कितना दिया है, तो आपका दिया है थीटा दिया है। इतना तक समझ में आ गया, तो ये आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी जाके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब देखिए इसके बाद से इसमें क्या करना है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका डी ए वेक्टर दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि डी ए, ये आपका क्या है, आपका एक छोटा सा क्या है, क्षेत्रफल दिया है, तो डी ए क्षेत्रफल, डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए फ्रेंड्स, वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखिए डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे वेक्टर में पढ़े होंगे कि एक वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसका जो मान होता है फ्रेंड्स वो आपका क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, ए बी कॉस थीटा होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर, यहाँ से देखिए ई डी को यहाँ पे ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर दिया है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ई इंटू डी ए, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे फ्रेंड्स, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, आप पढ़े होंगे कि बिंदु आवेश के कारण जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ई का जो मान होता है वो आपका कितना होता है फ्रेंड्स, 1/4π0 q/r का स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए प्लस क्यू आवेश दिया है, यहाँ पर एक बिंदु दिया है, तो बिंदु आवेश के कारण जो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। तो पी बिंदु पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका हो जाएगा पी बिंदु पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि बिंदु आवेश दिया फ्रेंड्स, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है, E बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ये आप समीकरण नंबर दो मान लीजिए। अब देखिए समीकरण एक में, समीकरण एक आपका क्या था, डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ई के जवाब हम लिख सकते हैं, ई के जवाब कितना लिख सकते हैं, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से समीकरण एक से, तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण एक से क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई के जवाब पर, देखिए ई के जवाब पर कितना लिख सकते हैं, तो ई के जवाब पर लिख सकते हैं फ्रेंड्स एक बट्टा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर, और उसके बाद से क्या दिया है, तो आपका दिया है डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स डी ए कॉस थीटा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से, फ्रेंड्स यहाँ पे हमको संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इंटीग्रेशन कर देंगे, क्लोज इंटीग्रल। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर यहाँ से हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, कितना हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स, यानी कि एक्स यहाँ फंक्शन दिया एक्स, एक्स के सापेक्ष जब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका आता है एक्स, कितना आता है एक्स आता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स एक्स के जवाब पर कितना दिया है, फाई ई दिया है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा केवल फाई ई इजकल टू हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ आप देखिए वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आपका क्या है फ्रेंड्स कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसको क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक बट्टा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और q को भी बाहर कर लेंगे तो q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और देखिए इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल, इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्लोज इंटीग्रल। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बचा है, डी ए कॉस थीटा और बट्टे में यहाँ पर आपका कितना दिया फ्रेंड्स r का स्क्वायर, कितना दिया r का स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स इसका जो मान होता है यहाँ पर लिख लीजिएगा फ्रेंड्स कि हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि डी ए अपान कॉस, देखिए डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर का जो मान होता है वो आपका होता है डी ओमेगा, और डी ओमेगा क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका होता है घन कोण, क्या होता है फ्रेंड्स घन कोण होता है, घन कोण का जो मान होता है डी ओमेगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स चित्र में देखिए, समझिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर जो आपका कोण बन रहा है ये आपका बन रहा है घन कोण, तो घन कोण यहाँ पर जब थीटा बनेगा केवल घन कोण का मान होता है फ्रेंड्स डी अपान में आर स्क्वायर, और चूंकि यहाँ कोण बन रहा है थीटा, तो थीटा के कारण जो आपका यहाँ पे घन कोण का मान हो जाएगा वो आपका होता है फ्रेंड्स डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू वाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसके जवाब कितना लिख सकते हैं डी ओमेगा लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से क्यू अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा का जो मान होता है वो आपका होता है फ्रेंड्स कितना होता है फोर पाई होता है। अब देखिए फ्रेंड्स फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो आपका फाई ई का जो मान आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स का वो आपका कितना आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए फ्रेंड्स यही आपका क्या दिया है, यही आपका है गॉस की परमेय, क्या है फ्रेंड्स यही आपका है गॉस की परमेय। तो यही आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया फाई ई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका गॉस का परमेय है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।